राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये डिजाइन बना के दिखाऊंगी। एक डिजाइन ये 6 फंदे का है और 4 सिलाई का है। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन में डाल लेना, जेंट स्वेटर में, जैकेट में, टॉप में, कहीं भी डाल लो, सारी जगह अच्छा लगेगा। अगर आप इसको 7 का बनाना चाहो, जैसे यहाँ बीच में दो दो उल्टे रख रखे हैं, 4 फंदे डिजाइन के, 2 उल्टे, 4 डिजाइन के, 2 उल्टे, आप 4 की जगह 2 उल्टे की जगह 1 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कितने रख लो बीच में ये फंदे। मैं दो दो रख रही हूँ। अब पहली सिलाई से बना के दिखाऊंगी आपको, जो हमने बॉर्डर के बाद पहली में बनाया था, अब वही पहली से बना के दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक फंदा ये डिजाइन से अलग है। ये फंदा आप उल्टा बनाओ, सीधा बनाओ, स्लिप करो, मैं उल्टा बना रही हूँ। 2 फंदे ये डिजाइन के हैं, 2 फंदे उल्टे, पीछे धागा करके अब 4 फंदे का डिजाइन बनाएंगे। 4 फंदे के बीच में से ऐसे 2 फंदे आगे छोड़ देंगे, 2 पीछे छोड़ देंगे, बीच में से ऐसे एक लंबा फंदा निकाल लेंगे। ऐसे थोड़ा लंबा रख लेंगे, ना तो इसको खींचेंगे ना इसको ज़्यादा लंबा करेंगे, इस तरह कर लेंगे। फिर ये 4 फंदे हम सीधे बना देंगे, 1 2 3 4। अब एक डिजाइन ये 6 फंदे का हो गया, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे के बीच से हमने एक लंबा फंदा निकाल लिया, फिर 4 फंदे सीधे बना दिए। अब ये भी फंदा हो गया हमारा, 5 फंदे हो गए। ये जो ये फंदा है ये हम तीसरी सिलाई में घटाएंगे। एक इस तरफ बढ़ा लिया, एक इस तरफ बढ़ाएंगे, जैसे ये बढ़ रहा, ये फंदा हमें उल्टी सिलाई में बढ़ाएंगे। फिर आगे 2 फंदे उल्टे, 1 2, पीछे धागा करके 4 फंदे के बीच से ऐसे लंबा फंदा निकाल लेंगे, फिर 4 फंदे को सीधा बना देंगे, 1 2 3 और 1 4। अब ये 2 डिजाइन हो गए। अब तीसरा डिजाइन शुरू कर रहे हैं, 2 फंदे उल्टे, पीछे धागा करके अब 4 फंदे के बीच से ऐसे एक लंबा फंदा निकाल लेंगे, फिर 2 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे उल्टे, पीछे धागा करके अब 4 फंदे के बीच से निकाल लेंगे ऐसे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, कोने वाला भी उल्टा। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हमें जो 2 फंदे हमने उल्टे बनाए थे वो फंदे हमारे सीधे हो गए उल्टी सिलाई में, 2 फंदे सीधे। फिर अपनी तरफ धागा करके अब जो 4 फंदे थे वो आ गए हमारे। अब फिर हम 4 फंदे के बीच से निकाल लेंगे, वहाँ से निकाल लेंगे जो फंदा हमने ये निकाल लिया था उसी जगह से, ऐसे यूँ करके निकाल लेंगे। ऐसे करके ये फंदा भी हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ज़्यादा छोटा नहीं खींचेंगे नहीं इसको। अगर खींच दिया तो सिकुड़ है डिजाइन बनेगा हमारा, अगर लंबा छोड़ दिया वो भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये 4 फंदे उल्टे बना देंगे। अब जो ये फंदा हमने बीच से निकाला था इसको ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब ये हो गए हमारे 6 फंदे 4 और 2 6 और 2 ये 8, 8 फंदे हो गए। 2 फंदे सीधे, 1 फंदा हमने 4 के बीच से निकाल लिया, 2, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर ये जो 1 फंदा और निकाल रखा था वो स्लिप कर लिया। अब पीछे धागा करके 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर अपनी तरफ धागा करके अब ये 4 फंदे हैं इनके बीच से निकाल लेंगे, जहाँ से ये पहले निकाला था वहीं से निकाल लेंगे ऐसे ऐसे। अब 2 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर ये फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर पीछे धागा करके 2 फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके अब 4 फंदे के बीच से, जहाँ से ये हमने सीधी सिलाई में निकाला था वहीं से निकाल देंगे, 1 2 3 4, अब ये फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर पीछे धागा करके 2 फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके अब 4 फंदे के बीच से निकाल देंगे,
एक दो तीन चार। अब ये फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदे सीधे कोने वाले को उल्टा बना देंगे। अब ये दो सिलाई होगी, अब आ गई तीसरी सिलाई सीधी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में हमें दो फंदे, एक फंदा ये कोने वाला बना लिया उल्टा, फिर दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके। अब जो ये फंदा निकाल लिया था हमने, ये फंदा और जो चार फंदे हैं उनमें से ये पहले वाला फंदा ऐसे पीछे की साइड से दो का एक कर देंगे। फिर आगे दो फंदे और बना देंगे, एक दो। अब ये फंदा हमने उल्टी सिलाई में निकाल लिया था ये वाला, और ये जो चार फंदे थे वो फंदा है। ये फंदे दोनों का आगे की साइड से दो का एक कर देंगे। अब जो छह फंदे थे हमारे पहली सिलाई में, पहली में हमने एक इधर से बढ़ा लिया था, छह फंदे का ये डिजाइन था, पांच बना दिए थे हमने ये फंदे एक फंदा निकाल के। अब हमने वही छह फंदे बना दिए, दो उल्टे चार सीधे, छह का डिजाइन है हमारा। जो बढ़ाए हुए फंदे वो हमने घटा दिए अब तीसरी सिलाई में, एक दो, दो फंदे उल्टे। अब एक फंदा ये नीचे से निकाल लिया हुआ और एक जो फंदा है वो दो का एक कर देंगे पीछे की साइड से। फिर आगे दो फंदे सीधे, फिर इन दो का एक कर देंगे आगे की साइड से। अब देखो घटा दिए हमने दोनों फंदे जो बढ़ रहे थे, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके आगे पीछे की साइड से दो का एक, फिर दो फंदे सीधे, फिर आगे की साइड से दो का एक, फिर अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके पीछे की साइड से दो का एक, फिर एक दो, दो फंदे सीधे, फिर आगे की साइड से दो का एक, फिर दो फंदे उल्टे कोने वाला भी उल्टा। अब ये तीन सिलाई होगी, अब आ गई चौथी सिलाई उल्टी सिलाई। एक फंदा उल्टा पीछे धागा करके दो फंदे सीधे, उल्टी सिलाई सारी इस तरह सारी नहीं उतरेंगी, सॉरी बीच में वो एक फंदा इधर से उठा लिया, एक इधर से उठा लिए, सारी बदल बदल के आएंगी। ये दो फंदे हमारे इसी तरह रहेंगे उल्टी सिलाई में। अब आगे चार फंदे उल्टे, अब ये छह फंदे बनाएंगे पूरी सिलाई में, दो सीधे चार उल्टे, दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर पीछे धागा करके दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे, पीछे धागा करके दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे कोने वाले को उल्टा। अब ये चार सिलाई होगी, यही चार सिलाई हम बार बार बनाएंगे, तो देखो कितना अच्छा डिजाइन बन रहा है। एक बार फिर मैं पहली सिलाई से फिर बना के दिखा दूँ एक सिलाई। अब ये चार सिलाई उतार दी, चार सिलाई बार बार उतारेंगे हमें, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके छह फंदे का डिजाइन बनाएंगे। अब जो चार फंदे हैं इनके बीच से ऐसे एक सीधा फंदा लंबा फंदा निकाल लेंगे। अब ये चार फंदे, एक दो तीन चार, अब ये सात फंदे हो गए, यही सात फंदे आगे बनाएंगे। दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके चार फंदे के बीच से ऐसे लंबा फंदा निकाल लेंगे, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके अब चार फंदे के बीच से एक लंबा फंदा निकाल लेंगे, फिर एक दो तीन चार, फिर दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके अब चार फंदे के बीच से निकाल लेंगे एक लंबा फंदा, एक दो तीन चार, अब फिर दो फंदे उल्टे कोने वाला भी उल्टा। अब फिर उल्टी और बना के दिखा दूँ एक बार। अब दो फंदे सीधे, अब ये दूसरी सिलाई अगले डिजाइन की। अब ये जो एक फंदा तो ये निकाल रखा है पांचवा फंदा, अब ये जो चार फंदे हैं जहाँ से हमने सीधी साइड सीधी सिलाई में निकाला था फंदा, वहीं से फिर निकाल देंगे उसी जगह से।
अब इस तरह निकाल लेंगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, और ये फंदा स्लिप कर लेंगे। अब इस तरह उतारेंगे ये पूरी सिलाई उल्टी को, इस तरह उतार देंगे। अब यहीं से फिर फंदा निकाल लेंगे, फिर ये चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, ये फंदा स्लिप कर लेंगे। अब आगे इसी तरह बनाएंगे पूरी सिलाई को, जो चार सिलाई पहले बना के दिखा दी वही चार सिलाई बार बार बनाएंगे तो ये वाला डिज़ाइन बनेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।